खिप्रोम खबर अलुतक खिप्रोम में जिसकम समेत सोशल मीडिया ते मासूम प्रिया कुमारी जे बाजियाबी लाए डिनल सड जी मोट में खिप्रो जे शहीद चौक ते जिसकम सांगर जे सदर आजाद कुंभर सरदार अकबर मरी जीडीए जे काउंसलर मुखी मोहन दास जमायत इस्लामी हिंदू पंचायत जे अगवान डॉक्टर रमेश कुमार उर्फ राइकल महेश कुमार गोस्वामी अतर कायमकानी जीडीए अगवान अला बचायो मंगरियो नरेंद्र कुमार उर्फ कालीदास अमर कुमार माली मेहरान सिंधी सादिक गोरजो की अगवाणी में एहतजाजी रैली कढ़ी शहीद चौक खिप्रो ते एहतजाजी मुजाहरों कर धरणो हयो वो उन मौके ते मुजाहरीन के हथन में मासूम प्रिया कुमारी जा फोटो ए प्ले कार्ड खयल हुआ। मुजाहरीन जो एक ही मुतालबो हो तो मासूम प्रिया कुमारी के बाजियाब कराए हिंदुन की ईद होली के मौके ते संदस मजबूर माँ की झोली खुशियन से भरी वने। उन मौके ते मुजाहरीन मीडिया से गालाइंदे चयो त अज असो ये एहतजाज जडे सिंध भरे सगीर में बहार जो मौसम इंदो आ तो उते रंगन जो त्यौहार मल्हायो वेंदो आए। यो रंगन जो त्यौहार बहार जे मौसम जे भरे सगीर जे माण्हुनि जो आहे। उन ॾींहं ते असां अॼु मासूम न्याणी प्रिया कुमारी जेको 22 महीना थी चुका आहिनि प्रिया कुमारी खे ॾहीं मुहरम ते शबील विराईंदे उनखे अगवा कयो वियो आहे। अॼु ॾींहुं ताईं उन जो को बि पतो न पइजी सघियो आहे। असां सम्झूं था त रियासत उन जी टोटल मशीनगिरी पाकिस्तान जा रियासती इदारा सिंध पुलिस इंटेलिजेंस मुकमल नाकाम थी चुकी आहे। उन्हनि खां हिकिड़ी मासूम न्याणी नथी ॻोल्हिजे। हू सिंध जे माण्हुनि जो सिंध जे नौजवाननि जो सिंध जे न्याणियुनि जो छा दिफ़ा कंदा। असां चऊं था त हीउ जेको दिफ़ाई जेको बजट इन्हनि खे ॾिनो वियो आहे इहा इन्हनि सां बजट पूरियो वञे। मासूम न्याणी प्रिया कुमारी असां सिंधी माण्हू न्याणी खे सत क़ुरान सम्झूं था पर न्याणी अञा ताईं आज़ादु न थी आहे। जी एस एन क़ौमी महा जा कारकुन साईं जी एम साईं जा फिक्री पैरोकार 22 महीननि खां एहतजाज जी तहरीक में आहिनि। अॼु बि असां एहतजाज में आहियूं। जेसी न्याणी आज़ादु न थींदी असां एहतजाज जी तहरीक जारी रहंदी। मासूम प्रिया कुमारी जंहिंखे तक़रीबन 22 महीना थिया आहिनि उतां जा भोतार सरदार हवा करे ख़बर नाहे किथे रखियो अथनि। सॼी सिंध में तक़रीबन 22 महीननि खां मुसलसल एहतजाज हलनि था। उन सिलसिले में अॼु हुननि जी ख़ुशी जे ॾियारे ते उहे एहतजाज में आहिनि। सिंधी हिंदू भाइर जीअं कोई महाज उन्हनि सां इन मरहले में गॾु आहे ऐं तहरीकनि में बि गॾु इनशाला ताला हिननि जी इहा जदोजहद ज़रूरु कामयाबु थींदी ऐं उहो नंढड़ी पंहिंजे मालिकनि ॾे मोटंदी। इहा ई हमको ख़ुदि को सम्झ में न आ रही है कि 2 साल मुसलसल हो गए हैं। ज़मीन नगल गई है या आसमान खा गया है और मासूम प्रिया कुमारी का कोई अता पता नहीं है। और जिस फैमिली पे एलिगेशन लग रहे हैं और वो फैमिली भी आज तक खामोश है, वो भी कोई वजाहत पेश नहीं कर रही है कि हमारे पास है या नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो कम से कम उनको तो वजाहत पेश करनी चाहिए और उनको अपनी सफाई देनी चाहिए। मगर अभी पुलिस तो कुछ कर नहीं सकेगी क्योंकि पुलिस उन बादशाहों के सामने सरंगों है। और हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सोमोटो एक्शन लें और इनकी बात की इंक्वायरी कराएं, क्योंकि इतने वो बादशाह नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से वो पंगा कोई ले सके। हमारा उनसे मुतालबा है मेहरबानी करके हमारी मासूम बच्ची को बाजियाब कराया जाए। ये जो आज एहतजाज कर रहे हैं हम, एक छोटी सी बच्ची प्रिया कुमारी है इस गिरार की, एक शैतान, एक जो सरदार है जो इंसानियत परस्त है, जो इंसानों को भी नहीं जानता कि इंसानियत क्या होती है, एक माँ की 3 सालों से गोद खाली पड़ी है और वो माँ उसकी राहें देख रही है, वो उधर आ नहीं सक रही। आज हमारा होली का दिन है और हम सारे हम एहतजाज कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम पाकिस्तान में आज़ाद रह के भी आज़ाद नहीं है। हमारी एक छोटी सी बच्ची किसी की कैद में हो और हम अपनी ईद होली का त्यौहार मनाएं, हमें बहुत दुख होता है। हम इंतजामिया से यही गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी एक छोटी सी मासूम प्रिया कुमारी को जल्द से जल्द आज़ाद कराया जाए। प्रिया कुमारी को ऐसे दिन उठाया गया जिस दिन लोग गम में थे और मोहर्रमुल हराम का दिन था, वो भी बच्ची सबील के गाड़े पर लोगों की खिदमत करते हुए लोगों की प्यास बुझाने के लिए खड़ी थी। पर उस दिन भी उन गुंडों ने, दहशतगर्दों ने उस मासूम बच्ची को अगवा कर लिया। पर सबसे बड़ा सवालिया निशान इंतजामिया पर है जो 22 महीनों में उस बच्ची को तलाश ना कर पाई। उसकी मां तड़प रही है, रोज़ उसकी मां के नए वीडियो बयान आ रहे हैं पर इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। सिंध से इस तरह न जाने कितनी रोज़ाना मासूम बच्चे अगवा हो जाते हैं पर कोई
इसको सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं मुतालबा करूँगा कि सिंध को, सिंध के जो ये मेन इलाके सखर डिवीज़न के इलाके, इनको रेड जोन में शामिल करके यहाँ पर पाक फ़ौज का, पाक फिजाइया का ऑपरेशन कराया जाए, इसको क्लीन कराया जाए, क्योंकि जो लोग इंसानियत को तरजीह नहीं देते उनको भी दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए मज़ीद जद्दोजहद की जाए, जल्द से जल्द बाजियाब करा के माँ बाप के हवाले किया जाए। आज का जो प्रोटेस्ट इधर खिपरो शहीद चौक पे रखा गया, वो प्रिया कुमारी आपको पता है तकरीबन 22 महीने हो गए उसको अगवा किए, लेकिन आज तक वो बाजियाब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पूरा सिंध सराबा एहतजाज हुआ पड़ा है। हमारा यही मुतालबा, हमारे इदारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो पाताल से भी बंदे को निकाल के ले सकते हैं। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं, प्लीज़ मासूम बच्ची प्रिया कुमारी है उसको जल्द से जल्द बाजियाब कराएं। इनके वालिदिन बहुत परेशान हो गए, इनकी माँ तो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है, वो अंधी हो चुकी है। तो यही होता है, जितना जल्दी हो सके मासूम बच्ची को, जिस रहजन के पास ये बच्ची है, अभी तो पता पड़ गया किसके पास बच्ची है, उसके घर पर रेड करके इस बच्ची को बाजियाब कराया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने मौके पर मासूम प्रिया कुमारी जी बाजियाबी जिलाई मासूम गुलन जन बारन पिण भरपूर शिरकत कई। मजीद खबरन आई तफसीलात लाए विजिट कयो असा जी वेबसाइट www.awaminewshd.com। आई दिसंबर रहो अवामी न्यूज़ HD।